yes please good evening everyone welcome to sd commerce career sector 10 panchkula this is ca dhiraj here and hope so you are doing well so today is our first lecture on class plus 2 economics and let me introduce with you the subject and the syllabus part ki yahan pe, sir, class plus 2 mein jo economics ka apka 80 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर है तो उस डिस्क्रिप्टिव पार्ट में क्या क्या सिलेबस आप लोगों का इंट्रोड्यूस किया गया है अलोंग विद वी विल स्टेप इनटू चैप्टर नंबर वन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर वन आज हम क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे विद लिटिल बिट डिस्कशन ऑफ सिलेबस पार्ट में कि सर हमारे पास कैसे ये 80 मार्क्स को डिवाइड किया गया है फॉर एग्जाम्पल मैक्रो की एग्जाम्पल लें तो सर हमारे सिलेबस में सबसे पहले 80 मार्क्स में दो बुक्स इंक्लूड होती हैं जिनमें नंबर वन बुक आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड नंबर इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लियर जिसको इन शॉर्ट वर्ड हम कहते हैं इंडियन इकोनॉमी के रिग क्लियर एंड डे वन है पहले ही आपको कह दू सर स्पेशली स्पेशली दोनों बुक्स प्लीज नई लीजिए नहीं लेना पुरानी मत लीजिएगा बिकॉज पुरानी वालों में ज्यादा से ज्यादा द लास्ट ईयर एडिशन उससे बैक मत जाइएगा बिकॉज सीबीएसई का पैटर्न आपको भी पता है डे बाय डे चेंज हो चुका है इनका भी ध्यान थोड़ा जर्नल अवेयरनेस क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा है रीजन असर्शन बेस्ड हुए चाहे वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हुए तो ज्यादा पुरानी बुक प्लीज मत लीजिएगा जितना लेटेस्ट एडिशन लेंगे उतना लाइक इंडियन इकोनॉमी आप लोगों का जो सब्जेक्ट है इंडियन इकोनॉमी इज डेटा बेस्ड एंड डाटा आपको पता है कि सर ईयर बाय ईयर क्या होता रहता है चेंज कि कौन से ईयर में या लेट इट बी करंट इश्यूज भी आपको शायद उसमें गिवन हो तो जितनी बुक्स आपके पास लेटेस्ट होंगी उतना बढ़िया होगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम अलाउड द लास्ट ईयर अगर वो मिलती हैं दैट इज गुड वो भी अपने आप में सफिशियंट थी वो भी अपने आप में क्वाइट अपडेटेड हैं बट उससे बैक मत जाइएगा वो काफी ज्यादा एक वेस्टफुल एक्टिविटी आप लोगों के लिए हो जाएगी क्लियर सो so, यहाँ पे सबसे पहले सर सबसे पहले यहाँ पे अपनी कॉपी पे हेडिंग दीजिए इंट्रोडक्शन टू सिलेबस में अगर मैं नॉर्मली बात करूं कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट है जो हमने कवर अप करना है इस इकोनॉमिक्स के अंदर क्लियर सबसे पहले सर हमने टोटल इकोनॉमिक्स के सिलेबस को जो कि आपके पेपर में 80 मार्क्स का क्या होगा कवरअप होगा इसको दो पार्ट्स में क्या करा है जी डिवाइड करा है एंड वो दो पार्ट्स आप लोगों के सबसे पहले वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड नंबर टू इज इंडियन इकोनॉमी विद इक्वल वेटेज विद इक्वल वेटेज दैट मींस फोर्टी मार्क्स में आपको क्या मिलने वाली है मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड मार्क्स की ही आपको क्या मिलने वाली है सर इंडियन क्लियर ये तो बढ़िया सिस्टम है डे बाय डे सीबीएसई डिस्क्रिप्टिव पार्ट को थोड़ा क्या करता जा रहा है कम करता जा रहा है और एमसीक्यू बेस्ड वन वर्ड बेस्ड वन मार्क वाले क्वेश्चन क्या करता जा रहा है इंक्रीज करता जा रहा है एंड जिसके कारण आपका पेपर बड़ा इजिली प्री से पहले ही क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है कभी लेंदी होने वाला पॉइंट बना ही नहीं इकोनॉमिक सब्जेक्ट की सर हम कोई कह दे कोई बच्चा ये कह दे बाहर आकर कि सर पेपर कंप्लीट नहीं हो पाया ये वर्ड कभी भी किसी से नहीं सुना कारण जस्ट एक है कि इसमें वन मार्क क्वेश्चन ही बहुत होते हैं एंड बच्चा कंफर्टली उसको बड़े आराम से टाइमली क्या कर लेता है कंप्लीट कर लेता है okay? सो so, यहां पे सर सबसे पहले मैं अपना जो आज मेरा टॉपिक स्टार्ट होगा मैं उसी से इंट्रोड्यूस करूंगा इंडियन इकोनॉमी के सिलेबस के बारे में हम बाद में बात करेंगे सबसे पहले अगर बात की जाए कि सर मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स कितने कितनी वेटेज के साथ हमें मिलने वाले हैं एंड जो मैं सिलेबस की डिस्कशन कर रहा हूं यही मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप है सब्जेक्ट मैटर है एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछा था कि बार कि व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जो प्लस टू का सिलेबस है वही मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या है सब्जेक्ट मैटर यही टॉपिक्स ये यह मैक्रो इकोनॉमिक्स के ही टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ाए जा रहे हैं तो सर मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो डील किससे करती है इन्हीं टॉपिक्स जिन से जिनमें से नंबर वन सबसे पहले आपके पास आता है जी इंट्रोडक्शन लिख लीजिएगा साथ 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 में मैं मार्क्स की वेटेज दूंगा सो दैट कि डे वन आपको क्राइटेरिया बिल्कुल सेम रहे क्लियर रहे

वेटेज उसको दो आप इससे पहले आई थिंक सो वेटेड पहलेक्स कुछ वर्ड पढ़ रहे थे वेटेज उसको दो जिसकी एक्चुअल मार्क्स में कोई ना कोई कंटेंट हो वैसे ही जा जा रहे हैं, पड़ी जा रहे हैं हैं पेपर में उसका मन करे एक क्वेश्चन या, या एक नंबर का नहीं आना उसके लिए क्यों इतना भार समझे डे वन से पेपर स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग टू चलेंगे कि अल्टीमेटली सर मैक्रो इकोनॉमिक्स के फोर्टी के फोर्टी मार्क्स अपने श्योर होने चाहिए क्लियर और ये होते हैं ऑलवेज होते हैं। लास्ट बैच में भी और इस बैच में भी क्यों मैक्रो इकोनॉमिक्स इतनी रिफाइंड कर लेंगे इतनी रिफाइंड कर लेंगे अभी तो डे वन है सर जब धीरे धीरे टॉपिक्स होने शुरू होंगे आप खुद इस चीज पे विश्वास करेंगे कि वाकई में सर सही है उल्टा लिटिल बिट डर थोड़ा सा जो लगता है वो किसमें चला जाता है इंडियन इकोनॉमी में कंसेप्चुअल नहीं ड्यू टू डेटा बेस्ड थे उसमें पूछता है कि कौन से ईयर में मान लो कौन सी चीज हैपन हुई एट दैट टाइम सर वो आने शुरू हो जाती है किस बात को लेकर कि वो प्योर ऑप्शन में पूछ रहा है जी कौन सा ईयर अभी इतने सारे ईयर उनमें से कौन से में क्या हुआ हो जाती है गलती बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स में बड़े अच्छे टॉपिक्स मिलेंगे वन टू वन अब लाइक नंबर टू टॉपिक इसमें आपको मिलेगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स लिखिए यहां पे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स ये भी सर आपका बेस रेडी करेगा लाइक वेरियस टर्म्स जो पूरे नेक्स्ट आगे टॉपिक्स में क्या होती हैं यूज होती हैं उनके बारे में द जर्नल डिस्कशन इसके ऊपर रहने वाली है जिस दिन आपके ये दो टॉपिक्स कंप्लीट हुए आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक नेक्स्ट ऑन पढ़ने के लिए कंप्लीट हो जाएंगे रेडी हो जाएंगे कि वाकई में सर अब कहीं से किसी टॉपिक की बात कर लो आई कैन इजीली अंडरस्टैंड क्योंकि यहां तक अगर तुम समझो यहां तक आपकी टर्मिनोलॉजी पार्ट वो टर्म समझाएगा वॉट डू मीन बाय फाइनल गुड्स वॉट डू मीन बाय इंटरमीडिएट गुड्स सर इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कंजम्पशन का मतलब क्या है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होती है उनके फेजेस क्या है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है द बेसिक थिंग्स वो सारी बेसिक कॉन्सेप्ट आपके मैक्रो के रिगार्डिंग यहां तक वो क्या कर देगा बड़े आराम से कंप्लीट कर देगा फिर आते हैं मेन दो टॉपिक मेन दो टॉपिक दैट इज रिगार्डिंग वर्ड है सर नेशनल इनकम नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स नेशनल इनकम And related aggregates and the number four measures to calculate measures to calculate national income. ये सर टॉपिक हैं जी मेन जिनको कहते हैं एग्जाम पॉइंट से डेडली श्योर डेडली श्योर आना ही आना पॉइंट आता है सर ये पहले चार चैप्टर्स ये पहले चार चैप्टर्स आपके टोटल कितने मार्क्स कंटेन करते हैं दस ये पहले चार चैप्टर्स आपको कितनी वेटेज में मिलेंगे दस नंबर के अंदर मिलेंगे एंड उसमें भी श्योर है छ नंबर में तो कौन मिलेगा नेशनल इनकम तो सर आपके लिए बचे ही कितने नंबर सिर्फ चार इसीलिए कीपिंग इन माइंड द वेटेज जो चीज आपको नोट्स में लिखवाई जाएगी उसके अलावा कहीं जाने की जरूरत नहीं है हंड्रेड परसेंट आपको कवरेज इन्हीं नोट्स के द्वारा करवाई जाएगी लिखवाई जाएगी इन्हीं को सीरियसली पढ़ लो ना कोई क्वेश्चन तेरा बाहर नहीं जाएगा इवन नेक्स्ट टाइम मतलब इस बार जो प्रीवियस बैच में भी मैंने करा था हर चैप्टर कंप्लीट होते ही क्लासरूम में उसकी एक्सरसाइज क्या करना सॉल्व कर एंड एक्सरसाइज करवाने का मोटिव है जस्ट एक वन मार्क वो तुम्हारे एमसीक्यू बेस्ड हुए क्लियर आपके असर्शन रीजन बेस्ड हुए ट्रू फॉल्स हुए फिल इन द ब्लैंक्स हुए सो दैट दाजा ताजा ताजा चैप्टर पढ़ा है साथ के साथ उसको क्या कर लो कंप्लीट करो क्लियर एंड बुक्स मेरी ओर से टी आर जेन प्रेफर्ड है ऑलवेज टी आर जेन एज पर स्कूल करिकुलम भी आपको वही लगवाई जाएंगी क्लियर एनसीआर टी अगर कोई ऑप्शनल लेना चाहता है तो ले सकता है अगर कोई लेना चाहे तो ले सकता है क्लियर बट टी आर जेन इज गुड वन सबसे बढ़िया बुक है एंड सालों से वही चलती आ रही है तो सर मोस्टली देख मैक्रो का तो एक एक वर्ड तुझे मेरी ओर से मिलेगा हैंड रिटर्न मिलेगा यहीं पे क्लासरूम में आप कॉपी बनाएंगे मेरे साथ ही बनाएंगे एवरी पर्सन क्लियर रही बात इंडियन इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी के कभी मैं नोट्स प्रेफर नहीं करता उसका कारण है नोट्स बेसिकली होते हैं समराइज शॉर्ट करके बनाना एंड जिस हिसाब से इंडियन इकोनॉमी का पेपर आता है वहां पे हमें माइन्यूटली एक एक वर्ड क्या करना पड़ता है रीड करना पड़ता है क्योंकि क्वेश्चन वहां से कहीं से बन सकता है तो इसीलिए डे वन से इंडियन इकोनॉमी आपकी टी आरजन बुक वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन हम लोग क्लासरूम पार्ट में ही क्या करेंगे रीड आउट करेंगे क्लियर सो आई थिंक सो मैथोडोलॉजी आपको क्लियर होगी कि कैसे हम करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक एक वर्ड

ज मनी एंड बैंकिंग मनी एंड बैंकिंग मनी एंड बैंकिंग भी आपके कितने मार्क्स के हैं सर सिक्स मार्क्स क्या सर छे मार्क्स में दो चैप्टर यस सिक्स मार्क्स में आपको कितने चैप्टर्स मिलने वाले हैं दो चैप्टर्स तो वेटेज वाइज तुझे पता लग गया तीन तीन क्लियर बिल्कुल स्ट्रेटेजी बनाकर चलेंगे सर आप मतलब कोई लेक्चर वेस्ट नहीं कर दो वही इनको बार बार रिवाइजअप करें अल्टीमेटली कि आपको इनमें लेकर समझे नाइंटे क्या मूर्ख था जितना कंटेंट रिक्वायर्ड है ए बुक बी बुक सबको कंबाइन करके भी देख लिया कोई क्वेश्चन अपना बाहर नहीं जा रहा सैंपल पेपर तक हमने सॉल्व करके देख लिए हंड्रेड परसेंट आपको क्वेश्चन में सर्टनिटी मिल रही है समझे ना पॉइंट दैट इज एग्जाम कि बिल्कुल एग्जाम फोकस चलेंगे देन आफ्टर दैट आपके पास सर जी, तीन चैप्टर आते हैं सेवन एट एंड एंड नाइन लगातार मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कवर होते हैं दैट इज एग्रीगेट एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई रिलेटेड कॉन्सेप्ट रिलेटेड कॉन्सेप्ट और इनके मिलते जुलते नेक्स्ट आगे जो भी कॉन्सेप्ट लाइक सर पहली बात तो आपने अब वेरिएबल की बात कर ही ली डीज आर बेसिकली टूल्स इकोनॉमिक टूल्स विच आर यूज टू टेक डिसीजन अभी तक माइक्रो लेवल की बात की गई थी माइक्रो लेवल में भी कुछ ऐसे ही वर्ड थे बट वहां पर वर्ड था सिर्फ डिमांड सिर्फ सप्लाई यहां पे वर्ड क्या पढ़ने को मिल रहा है एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई बिकॉज यहां पे फर्क क्या है सर माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के साथ डील करती है बट वो डील करती है सिर्फ एक इंडिविजुअल लेवल पे एक स्मॉल लेवल पे एक छोटे लेवल पे करना मैंने भी आज वही है करना मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर भी वही है बट एक इंडिविजुअल लेवल पे नहीं पूरी इकोनॉमी लेवल पे जब एक उन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को डील किया जाता है एंड व्हाट इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम वही बेसिक सर स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस वही मेरा प्लस वन नॉर्मली तो मुझे तो जस्ट उतनी सी दो तीन लाइनें चाहिए आपकी कि हाँ सर प्लस वन में ऐसी बात सुनी थी क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट डिफरेंट है different. यहाँ पे चीज ही अलग है यहाँ पे व्यू पॉइंट ही अलग है पहले हम लोग सोचते थे सिर्फ अपने बारे में एज अ कंज्यूमर एज अ प्रोड्यूसर यहां व्यू पॉइंट ही चेंज कर दिया कहते सर अपना ना सोचो आपने पूरी इकोनॉमी का सोचना है पूरे देश के बारे में सोचना है दैट इज कॉल्ड एज कि नोट इंडिविजुअल डिमांड नाउ हियर आई एम टॉकिंग अबाउट एग्रीगेट कि सर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई को ध्यान में रखते हुए एंड द रिलेटेड कॉन्सेप्ट ये पर्टिकुलर तीन चैप्टर अकेले अकेले ये बारह नंबर की वेटेज रखते हैं सर ये बारह नंबर की वेटेज रखते हैं एंड डैम श्योर बारह नंबर में फिक्सड आपको मिलेगा ही मिलेगा सीबीएसई का पैटर्न है मैं तो वही बैटर के अकॉर्डिंग टू बात कर रहा हूँ देन आफ्टर दैट टॉपिक नंबर आता है जी टेन दैट इज गवर्नमेंट बजट गवर्नमेंट बजट एंड गवर्नमेंट बजट कितनी वेटेज में मिलेगा सर सिक्स मार्क्स ये भी अच्छा टॉपिक है एक ही चैप्टर कहां, पीछे मनी एंड बैंकिंग आए थे वो दो चैप्टर छह नंबर में थे ये अकेला चैप्टर कितने नंबर में है, छे नंबर में एंड द लास्ट वन पार्ट चैप्टर इलेवन एंड ट्वेल्व चैप्टर इलेवन एंड ट्वेल्व दैट इज फॉरन एक्सचेंज फॉरन एक्सचेंज एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट फॉरन एक्सचेंज फॉरन एक्सचेंज एंड बीओपी बीओपी बैलेंस दो टॉपिकाले सिक्स मार्क्स में टोटल कर लीजिए आपके टोटल मार्क्स कितने बनते हैं जी फोर्टी बस आज की इंट्रोडक्शन में जस्ट हमें सिलेबस के साथ हल्का सा बस इतना मार्क्स के अकॉर्डिंग टू एक बार पता करना था कि अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट यहाँ पे है क्लिक लेट्स कम टू द सेकंड पेज आप अपना ओपन करिए यहां पे लिखिए चैप्टर वन इंट्रोडक्शन यहां पे लिखिए चैप्टर वन इंट्रोडक्शन डायरेक्टली वी विल स्टार्ट विद द विदेप्ट हल्की सी बात आपने अभी बीच में स्टार्ट करी थी रिगार्डिंग द वही प्लस वन के आपके वाले वर्ड दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स हमने पहले भी पढ़ा हुआ है आज भी इस बार भी सिलेबस का पार्ट है बिकॉज इकोनॉमिक्स की दो ही ब्रांचेज हैं वन इज माइक्रो एंड सेकेंड इज मैक्रो स्टार्टिंग कोई भी करवाए माइक्रो करवाए या मैक्रो करवाए पहले बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ये क्लियर करवाएगा ही करवाए हालांकि जो एज पर नॉर्मल बुक में देखता हूं उसमें से कोई कंटेंट काम का नहीं मुझे तो कुछ एडिशनल टॉपिक हैं जो आप लोगों के साथ विद छोटे छोटे कॉन्सेप्ट करवाने के बाद डिस्कस करने हैं एक बेस आप लोगों का रेडी करना है कि नेक्स्ट ऑन कोई भी टॉपिक उठा लेना किसी टॉपिक में चले जाना ये बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको काम आएगी ही आएगी सो so, यहां पे हैडिंग दीजिए यहां पे सबसे पहला चैप्टर वन इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर वन चैप्टर वन इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर वन इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स लिखिए जी in recent years in recent years comma the subject matter the subject matter of economics the subject matter of economics falls in Falls in two main branches, two main branches, namely, namely, microeconomics and macroeconomics. Microeconomics and macroeconomics. Full stop. लॉर्ड जे एम केन्स जे एम केन्स जो एक सबसे ब्रिटिश एमिनेंट इकोनॉमिस्ट हुए हैं जिन्होंने इस मैक्रो के कॉन्सेप्ट को चेंज करके रख दिया जिन्होंने इस मैक्रो की थ्योरी को पब्लिश करा एंड नंबर ऑफ द मेन फेमस बुक यहां पे इनके ऊपर रोड डाउन करी एंड जिनके अकॉर्डिंग टू आज की डेट में मैक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाई होती है दैट इज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स दैट इज कॉल्ड एज लॉर्ड जे एम इतने माइन्यूटरी बतानी पड़ रही है बातें बिकॉज वन मार्कर क्वेश्चन अपने वाले में क्लियर सो लॉर्ड जे एम केन्स एंड इवन सर इनका फुल नेम जे स्टैंड फॉर जॉन क्लियर ब्रैकेट में लिखना चाहो आप लिख सकते हैं यहां पे जॉन के ई वाई एन ई एस जॉन् जॉन मेनार्ड एम ए वाई एन ए आर डी जॉन मेनार्ड किंग्स लॉर्ड जिनको शॉर्ट वर्ड बोलते हैं वैसे इनका सिंपल वर्ड हम बोलते हैं ऑल ओवर इकोनॉमिक्स किसकी केन्स की सिंपल वर्ड हम यूज करते हैं क्योंकि करतेर आर टू स्कूल ऑफ जिनके अकॉर्डिंग आपकी मैक्रो वर्कआउट करती है सर एक थी ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स एक है मॉडर्न इकोनॉमिक्स मॉडर्न इकोनॉमिक्स को लाने वाले कौन थे मिस्टर जे एम केन्स एंड ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट अपने वही पुराने एडम स्मिथ मार्शल रॉबिनसन जिनकी पुरानी इकोनॉमिक्स की थ्योरी आपकी क्या होती है अप्लाई होती है बट सर वो बहुत पुरानी है तुम लोग ट्रेडिशनल सोच लेकर बैठे हो यार वही चीज की गवर्नमेंट की नीड ही नहीं आज के टाइम में गवर्नमेंट ही तो ऑल ओवर द इकोनमी को क्या कर रही है रेगुलेट कर रही है एंड देर इज ओनली ओनली एंड ओनली गवर्नमेंट जो किसी भी इकोनॉमी को डिप्रेशन से क्या लेकर आती है बाहर लेकर आती है एक प्लस वन लेवल पे आपने वो ट्रेड साइकिल सुने सबसे टॉप पीरियड बूम सबसे टॉप कौन सा होता है बूम yes. बूम के बाद रिसेशन रिसेशन के बाद डिप्रेशन yes. डिप्रेशन से yes. रिकवरी आपकी मार्केट तो कॉन्टीन्यूटी में ट्रेड साइकिल में क्या करेगी वर्कआउट करेगी आप देखते नहीं कभी तो मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा एंड कभी मार्केट में बिल्कुल मंदी अकॉर्डिंग टू द बिजनेस भी ये देखने को मिलता है अब पॉइंट इज दैट कोई कोई भी सेक्टर, सर, कोई भी सेक्टर सेक्टर सर हमेशा बूम पीरियड में नहीं रहेगा हमेशा डिप्रेशन में रहेगा बिकॉज ट्रेड साइकिल आपके कॉन्टिन्यूटी में क्या रहेंगे? करते रहेंगे वर्कआउट करते रहेंगे ये चलते रहेंगे कभी तो मार्केट में बहुत तेजी होगी कभी मार्केट में बिल्कुल क्या होगी मंदी पर इतना पता है जब भी मार्केट में मंदी होती है जब भी मार्केट में डिप्रेशन की स्टेज होती है एज अ प्राइवेट एंटरप्रन तुम दोस्ट इन दिप्रेशन ट्राइवेट्रो फॉलो करते हैं प्रॉफिट और प्रॉफिट कब होगा जब मार्केट में उछाल मार्केट में जब बूम ब्रेड चल रहा होगा पैसा ही पैसा होगा ये और लोगों को क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा फिर तो सर डिप्रेशन की स्टेज में तो कोई साथ नहीं देगा डिप्रेशन की स्टेज में तो आपकी इकोनॉमी बिल्कुल बैठ जाएगी यही चीज यही चीज पर्टिकुलरली ये मिस्टर जॉन मेनार्ड केन्स इज जेएम केन्स ने यही जो अपनी एडवोकेसी प्रोवाइड करी कि सर ये ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट का मानना गलत है इनके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स ऐसे वर्क नहीं करेगी हम ये मानते हैं कि कोई ऐसी इकोनॉमी नहीं जहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रोल प्ले ना गवर्नमेंट इज द मेन बेस ऑफ द इकोनॉमी कोई भी कंट्री की गवर्नमेंट होना बहुत जरूरी है गवर्नमेंट ही है जो डिप्रेशन से आपको क्या लेकर आती है बाहर लेकर आती है जो रिकवरी की स्टेज में लाकर दोबारा आपको रेस करती है अदरवाइज प्राइवेट एंटरप्रन्य तो सिंपल सी बात है जी जब पैसा मार्केट में दिखता है तो लगा देते हैं जब पैसा मार्केट में नहीं होता तो विदड्रॉ कर लेते हैं ये तो ऐसी सोच वाले पर्सन है बात भी सही है प्राइवेट लोग है ही ऐसे मैं तो जी तब पैसा इन्वेस्ट करूंगा जब मार्केट स्टैंड कर रही होगी अच्छे प्रॉफिटेबिलिटी वाली होगी डिप्रेशन के टाइम पे जल्दी जल्दी कोई पैसा नहीं लगा सो लॉर्ड जे एम केन्स आगे लिखे एन एमिनेंट कॉमा डाल के एमिनेंट मीन्स द फेमस वन एमिनेंट पुराने काफी द एमिनेंट ब्रिटिश इकोनोमिस्ट British economist has played has played an important role has played an important role in the development in the development of economics in the development of economics full stop, he is called he is called comma inverted commas mean, the father of the father of modern modern macroeconomics मतलब वही बात है ना ऐसा भी नहीं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट टाइम इन्होंने इंट्रोड्यूस करी नो मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स को इन्होंने इंट्रोड्यूस करा वो ट्रेडिशनल आपको छोड़ने पड़ेंगे जो क्लासिकल सोच लेके बैठे हो आप लोग तो। आपको थोड़ा मॉडर्नाइज होना पड़ेगा आपको इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट भी क्या करने पड़ेंगे मॉडर्नाइज करने पड़ेंगे तो इनका मानना कुछ ही था क्लियर द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज ही रोट अ बुक ही रोट A book on macroeconomics. he wrote a book on macroeconomics named inverted commas mein, journal theory, journal theory of employment, employment, comma interest. एंड मनी एंड मनी एक मिनट एंड मनी स्टॉप इसको भी इन्वर्टेड कॉमर्स में क्लोज पब्लिश्ड इन पब्लिश्ड इन 1936 1936 यहां पे सर एक डेफिनेशन एड ऑन करिए मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्योंकि आपने बुक इंट्रोड्यूस करी है सो यहां पे नीचे मैक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच

प्रॉब्लम जो वेरिएबल्स हैं वही तो हेल्प आउट करते हैं इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में सो बेसिकली विच स्टडीज इकोनॉमिक इश्यूज और प्रॉब्लम्स और प्रॉब्लम्स एट द लेवल एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज अल एज अ लाइन चेंज करके इसी के साथ में अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स वी ट्राई टू अंडरस्टैंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द लेवल ऑफ How the level of income and employment, how the level of income and employment is determined, determined, and how the unemployment, how the unemployment. कैन बी रिमोव एक चीज देख रहा हूँ यहाँ पे कि मतलब सर कोई छोटी मोटी बात नहीं कर रहा जैसे हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स भी आउट की है माइक्रो इकोनॉमिक्स में अपना कंसर्न ही सिर्फ क्या था? चीज लेनी कितनी है किस रेट पे लेनी है चीज बेचनी कितने पे है किस रेट पे बेचनी है हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कब होगा हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा मतलब पूरी पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स आपकी सिर्फ एक ही वर्ड पे स्टैंड करती थी प्राइस। तुमने जितने टॉपिक्स अभी तक माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़े होंगे हर टॉपिक में द मेन बेस कौन रहा होगा प्राइस प्राइस चेंज हुआ अप हुआ डाउन हुआ इमीडिएटली उसका इंपैक्ट किस पे पड़ा डिमांड पे सप्लाई पे कॉस्ट पे रेवेन्यू पे इतने में ही तेरी इकोनॉमिक्स खत्म होगी पूरा का पूरा प्लस वन कॉन्सेप्ट प्राइस पे लगा थे यहाँ कॉन्सेप्ट ही अलग चल रहा है कहता यार चिंदी बातें छोड़ो अब आप इंडिविजुअल लेवल पे नहीं सोच रहे एक एक कंज्यूमर एक हाउस होल्ड एक प्रोड्यूसर किसी एक पर्सन के बारे में नहीं सोच रहे हम किसकी बात कर रहे हैं पूरी इकॉनमी की बात कर रहे हैं एंड इकॉनमी लेवल पे इकोनॉमिक लेवल पे जो आपका वर्ड चलता है दैट इज नॉट प्राइस थ्योरी इकोनॉमी लेवल पे जितने डिसीजन लिए जाते हैं डे वन बता रहा हूं वन इज द बेस इनकम मैक्रो लेवल पे द मेन डिटर्मिनेंट द मेन डिटर्मिनेंट इज इनकम लोगों का सिंपल सा कहना यह है अगर आप लोगों की इनकम होगी तो नेक्स्ट आगे आप एक्सपेंडिचर करेंगे एक्सपेंडिचर करेंगे तो नेक्स्ट आगे अपनी डिमांड्स को पूरा करेंगे मतलब हर जगह अब आप कहते हैं सर अनएंप्लॉयमेंट है अनएम्प्लॉयमेंट अब अनएम्प्लॉयमेंट को दूर कैसे किया जाए नए नए स्टार्टअप्स लगाने पड़ेंगे नई नई एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी को इंक्रीज करना पड़ेगा क्योंकि सर आज की डेट में हर कोई पर्सन हर कोई पर्सन चलो तो ट्रेंड काफी दो साल से तो काफी चेंज हो चुका स्टार्टअप बहुत लोग इंक्रीज करने लग गए अपने लेवल पे बीच में ऐसा दौर आ गया था ऐसा पर्टिकुलर काम आ गया था ये आज भी लोगों की टेंडेंसी बहुत ऐसी बस पढ़ लिख के जॉब मिल जाए कहीं ना कहीं जॉब पे लग जाए एंड मंथली मंथली एक फिक्स इनकम अपने को आती रहे कि लाख सवा लाख रुपए का पैकेज मिल जाए डेढ़ लाख रुपए मंथ का पैकेज मिल जाए ठीक है ना आपा आप भी कमा रहे हैं कल को शादी ब्याह होगी साथ में दूसरा वो भी कमाएगा दोनों मिलकर अपना बढ़िया ढाई तीन लाख रुपए का सिस्टम बन जाएगा ठीक अब अगर एक पर्सन की ये सोच है तो क्या ये सिर्फ उस एक पर्सन की सोच है इकोनॉमी लेवल पे अगर देखा जाए हर पर्सन इंप्लॉई बनने की सोच लेके बैठे इंप्लॉयर कोई बनना नहीं चाहता क्यों रिस्क कोई लेना नहीं चाहता बट अगर इंप्लॉयर ही नहीं होगा तो इंप्लॉई को रखेगा कौन स्टार्टअप्स नई नई फैक्ट्रीज नए नए काम अगर ओपन नहीं होंगे तो कल को काम पे रखेगा कौन अब डे बाय डे नए नए वेंचर्स ओपन नहीं हो रहे उस लेवल पे ये तो अभी साल डेढ़ साल से हुआ जब लोगों ने ट्रेंड चेंज हो गया लोग उल्टा जॉब छोड़ छोड़ कर किस में आ रहे हैं स्टार्टअप्स में आ रहे हैं कि बेशक भाई कम खा लो लाइफ की इंपॉर्टेंस बढ़ गई ना लाइफ की इंपॉर्टेंस बढ़ गई अलग कहता है जी एम्प्लॉयमेंट में है कुछ नहीं प्रेशराइजेशन जॉब है छोड़ दी हमने क्या करा अपना खुद का कोई काम शुरू कर लिया चाहे वो छोटा सा एक फूड जंक्शन ही ओपन कर लिया कितनी कितनी एग्जाम्पल आपको डेली लाइफ में सुनने को मिलती होंगी लोगों ने कॉन्सेप्ट ही चेंज करती है सर ऐसा कुछ नया नया क्या कर रहे हैं वो इनोवेट कर रहे हैं शार्क टैंक भरा पड़ा सीजन थ्री भी आ गया उसका कारण स्टार्टअप्स ही बहुत है लोग कॉन्सेप्ट ही नए नए लेकर आ रहे हैं अब कल परसों एक दिखा रहा था उसमें कि जो ग्रीन टी है ग्रीन टी का पाउच भी आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है द वेरियस टेस्ट के कप बना दिए यू हैव टू जस्ट पोर वाटर उसकी बॉटम पे ही जो तय बनी हुई है वो किसकी बनी हुई है वो उसकी टी की एक तय बनी हुई है आपको जस्ट वो नॉर्मल डिस्पोजेबल कप है वो भी इनिशियटिव डिस्पोजेबल कप है आपको जस्ट वो परचेज करने जैसे होता नहीं वो कप्पा न्यूडल्स आते हैं You have to just pour water, hot water उसमें ठीक है सोच रखने लग गया फिर तो सर नेचुरली अनुप्लॉयमेंट बढ़ेगी बढ़ेगी सरकार भी इस अनएम्प्लॉयमेंट को दूर नहीं कर सकती अनएम्प्लॉयमेंट है ही इतनी कल न्यूज की ही बात है पर्टिकुलरली ओपोजिशन वाले बीजेपी को दे भर भर के गालियां निकाल आपने कहा था जी हर साल दो करोड़ नौकरियां देंगे कहा है नौकरियां दिखाओ ये नहीं कहते कि पॉपुलेशन कितनी है इंडिया की कि चाइना को भी पीछे छोड़ के टॉप पे आ गए इतना बड़ा देश संभालना कोई सौखा काम है सर एंड ऊपर से हर बंदा कहता है मेरे को फिक्स इनकम मिल जाए मुझे लगे लगाए बैठे बिठाए पैसे मिल जाए मेहनत ना करनी पड़े हर कोई शॉर्ट मनी चाहता है इजी मनी चाहता है सरकार थोड़ी देगी आपको मेहनत तो उसके लिए करनी पड़ेगी अब सरकार जितना हेल्प आउट कर सकती है लाइक काइंड ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस तक भी दे रही है स्टार्टअप के लिए आप अपना आइडिया लेकर आओ अगर आप हमारे स्टार्टअप के अंदर एलिजिबल हैं हम आपको सब्सिडीज प्रोवाइड करेंगे हम आपको वेरियस थिंग्स प्रोवाइड करेंगे जगह कहोगे जगह तक भी अरेंज करवा देंगे तो काम कर अब ऐसे इनिशिएटिव तो आपको ही लेने पड़ेंगे किसी और को थोड़ी लेने पड़ेंगे आपा कहते हैं कुछ करना ना पड़े बैठे बिठाए अपने को क्या मिल मिल जाए जाए या अल्टीमेटली इनकम जनरेट होनी शुरू हो जाए नो oh, no. यही यही करंट इश्यूज मैक्रो लेवल पे आप लोग क्या करेंगे डील करेंगे कि सर हाउ दिस अनुप्लॉयमेंट कैन बी रिमूव्ड कैसे इसको रिमूव कर सकते हैं बट कभी एक चीज बताओ सिंपल वर्ड क्या अनुप्लॉयमेंट कभी जीरो होगी फैक्ट ये कभी जीरो नहीं हो सकती। ऑलवेज क्या करेगी प्रिवेल करे। चाहे वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट आए फ्रिक्शनल आए स्ट्रक्चरल आए बट अनएम्प्लॉयमेंट ऑलवेज क्या करती है एग्जिस्ट करती है फुल इंप्लॉयमेंट कभी एग्जिस्ट नहीं करती और वो कोई कंट्री है देखो भी हमारे all, सारे रिसोर्स क्या है नो no, कभी नहीं सो so, ये मेरा मैक्रो का है कि सर अब सोच बिल्कुल चेंज करो आप तो बहुत छोटे लेवल की पहले बातें कर रहे थे चलो वो एक अलग लेवल था वो माइक्रो लेवल का कॉन्सेप्ट था जहां पे एक इंडिविजुअल कंज्यूमर अपने बारे में सोच रहा है एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर अपनी प्रोडक्शन के बारे में सोच रहा है कॉस्ट के बारे में रेवेन्यू के बारे में वो व्यू पॉइंट भी ठीक था द कॉन्सेप्ट इज़ डिफरेंट यहाँ पे हमें इकोनॉमी के बारे में बात करनी क्लियर फुल स्टॉप लास्ट वर्ड क्या लिखा जी कैन बी रिमूव स्टॉप इन रियल टर्म्स लास्ट लाइन इसके साथ इन रियल टर्म्स इन रियल टर्म्स कॉमा मैक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ डील विथ द इकॉनमी द इकॉनमी इन इट्स टोटैलिटी इन इट्स टोटेलिटी मतलब सर क्या यहां पर जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स है वो कुछ डिफरेंट होगी क्या यहां पर जो आपकी सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं क्या वो डिफरेंट होंगी नो सेंट्रल प्रॉब्लम्स वही है वट टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस फॉर होम टू प्रोड्यूस एवरी थिंग इज सेम जस्ट फर्क है वहां पर तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे यहाँ पे पूरी इकोनॉमी के बारे में सोच रहे इतना सा फर्क है बट सर यहाँ पे फिर मेजर अलग हो जाएंगे मैथर्ड अलग हो जाएंगे व्यू पॉइंट बड़े अलग हो जाएंगे दैट इज अरे और कोई फर्क नहीं है ये भी ये भी किसके पीछे दौड़ रहे हैं अल्टीमेट रिसोर्सेस

राइट अ नोट ऑन importance ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स तो मैंने इसका टॉपिक का नाम दे दिया इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लियर सर हर बार की तरह जो आदत है वही रहेगी पहले हम लोग बनाएंगे नोट्स लास्ट जो लेक्चर मेरा होता है हर चैप्टर का दैट इज किसी भी बुक में से मुझे जो क्वेश्चन अच्छे लगेंगे वो आपको नोटिंग पार्ट में हॉट्स में लिखवाए जाएंगे यहीं जैसे एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन है रिप्लाई देना सेविंग करना अच्छी बात है या बुरी बात? अच्छी बात इट इज अर्चू ये क्वेश्चन है बिल्कुल एग्जैक्टली सर वरदान है सेविंग करना बड़ी अच्छी बात है एंड वही रिवर्स साइड कहते हैं इट इज वाइस बुरी चीज अब सर अच्छी चीज कैसे हुई बुरी चीज कैसे हुई द वर्ड इज इट डिपेंड्स किस चीज पे डिपेंड करता है किस किस चीज पे डिपेंड करता है कि सेविंग अच्छी बात है या बुरी बात है दिखे दिखे। सर माइक्रो एंड मैक्रो माइक्रो एंड मैक्रो लेवल पे अगर तो माइक्रो लेवल पे पूछते हो माइक्रो लेवल पे सिंगल पर्सन के लेवल पे बहुत अच्छी चीज है बहुत अच्छी चीज है बिकॉज वो अपनी फ्यूचर प्रोस्पैरिटी को क्या कर रहा है अच्छा बना अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सेविंग कर रहा हूं यस आई एम सेविंग फॉर माई सेल्फ मैं वो अपनी सेविंग किस लिए कर रहा हूं अपने लिए कर रहा हूं और मैं अपनी फ्यूचर प्रोस्पैरिटी को क्या कर रहा हूं बढ़िया बना रहा हूं कि केस फ्यूचर में कभी कोई प्रॉब्लम आए देन आई हैव सम रिजर्व्स मेरे पास कैश बैलेंस होना चाहिए मेरे पास बैंक बैलेंस होना चाहिए कि कभी भी कोई अनसर्टन और सेविंग का मतलब क्या है और सेविंग्स किस लिए बंदा करता है ड्यू टू अनसर्टेनिटीज़ फ्यूचर कि में किसी तरह की अनसर्टनिटीज अगर आएंगी देन आई विल बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट मैंने एल प्लान ले रखे हैं इंश्योरेंस प्लान वेरियस टर्म प्लान एंड ऑल ये सारी क्या सेविंग्स ही तो हैं अब कल इकतीस मार्च लास्ट डेट थी ना इकतीस मार्च अपना फाइनेंशियल ईयर कौन से वाला तेईस चौबीस क्या हुआ है क्लोज एंड इज टूडेज इज द फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर एंड ट्वेंटी फाइव अब सर अल्टीमेटली जिनका इकतीस मार्च क्लोज हुआ है उन लोगों के लिए एक स्पेशली अगर आपको पता हो कल बैंक ओपन थे इवन संडे था आरबीआई की नोटिफिकेशन थी आरबीआई की पर्टिकुलरली नोटिफिकेशन थी सिर्फ ट्वेंटी नाइन मार्च को आई थिंक सो उनको ऑफ था गुड फ्राइडे का सैटरडे भी ओपन थे संडे भी ओपन थे कारण क्या था कारण था बिकॉज ये तो फाइनेंशियल एंड की डेट है ये मना रहे छुट्टियां हैं कि जी हमारा तो सैटरडे संडे है फाइव डे वर्किंग कोई फाइव डे वर्किंग नहीं है इधर से फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है लोगों ने पेमेंट्स करनी है टैक्स सेविंग्स करनी है कोई अपनी पीपीएफ में पैसा जमा करवाना है या अलग अलग तरह की कुछ सेविंग्स हैं करने दो तो भाई तभी अगले को टैक्स में क्या होगा फायदा होगा स्पेशली स्पेशली सैटरडे संडे को भी उन्होंने क्या करवाया बैंक ओपन करवाए बिकॉज सेविंग्स करना इंडिविजुअल लेवल पे बड़ी अच्छी चीज है बट अगर यही सोच चल मानना तेरी अकेले की सोच बहुत बढ़िया है वहां पे तो मैं कह रहा हूं कि हाँ तू तो अपने फ्यूचर के लिए सोच रहा है भाई बड़ी अच्छी बात है बट अगर ये सोच सारे लोगों की है तो एंड एक्सपेंडिचर कम, हो तो कम, हो कम होना मतलब लोगों की डिमांड कम होना डिमांड कम होना मतलब लेवल ऑफ आउटपुट कम जाना लेवल ऑफ आउटपुट कम जाना मतलब इम्प्लॉयमेंट कम जाना इम्प्लॉयमेंट कम जाना तो मतलब इनकम कम होना हर तो चीज का हर चीज का इंपैक्ट नेगेटिव देखने को मिलेगा मैं कहा सर यही तो समझ नहीं आ रहा एक तरफ कह रहे हो अच्छी बात है एक तरफ कह रहे हो बुरी बात है दिस इज कॉल्ड एज वन वर्ड जो आपके पास कल क्वेश्चंस में आएगा वर्ड दैट इज माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स एक वर्ड हम यूज करते हैं माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स व्हाट इज लॉजिकल एट द माइक्रो लेवल मे नॉट बी लॉजिकल एट द हो सकता है सर क्लियर तो ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं बट एक बार इंट्रोडक्शन में हमारे डेली नॉर्मल पार्ट में वही सर मैक्रो क्या है माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस क्या है हमें चलाना पड़ेगा वो करना पड़ेगा बट बातें बहुत है बहुत है नेक्स्ट लेवल की नई सीखने वाली जो कमिंग दो तीन चार लेक्चर में आपको पता लगना शुरू हो जाएगा ये सिर्फ माइक्रो मैक्रो छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसको एक बार खत्म करें फिर नई बातें शुरू करते हैं कि मैक्रो के कॉन्सेप्ट पढ़ाओ सर है क्या समाइम्स वन मार्क में क्वेश्चन ना ये डिफरेंस में आ गया था माइक्रो मैक्रो के वर्ड्स में से आ गया था तो इसीलिए इग्नोर नहीं कर सकते हाउएवर आपने प्लस वन लेवल पे ये चीज क्या करी हुई है डिस्कस करी हुई है पढ़ी हुई है क्लियर आगे लिखिए यस इंपॉर्टेंस ऑफ यहां पे टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स चलिए जी नंबर वन सीधा पॉइंट वाइज It provides, it provides measures to understand, to understand the calculation of sub calculation of national income, national income ऑफ कंट्री सर कमाल कर भी आप कह रहे हो मैक्रो इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है नेशनल लेवल पे नेशनल इनकम को कैलकुलेट ही कौन करेगा तुम्हारी माइक्रो इकोनॉमिक्स थोड़ी करेगी वो तो इंडिविजुअल से डील करती है इकोनॉमी लेवल पे डील कौन करती है मैक्रो अगर आपको पूरे इंडिया की अरे जी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर आपने कैलकुलेट करना है जीडीपी रेट अगर आपने निकालना है मैक्रो इकोनॉमिक्स की तो उसमें क्या करेगी आपको हेल्प आउट करेगी और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है अल्टीमेटली सर आप पहले वाले कॉन्सेप्ट डिफरेंट थे यस नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री पोस्ट ऑफ इसके साथ ही इसके साथ ही इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड इफ देयर वर जेस एंड इंजेक्शंस लीकेजेस एंड इंडे इंजेक्शंस टू दिस सर्कुलर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम यह अपना सर बहुत अच्छा टॉपिक है जो है माइट बी माइट बी मैं नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करवा सकता हूं बड़े आराम से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के रिगार्डिंग बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है और इसी पे इसी पे पूरी इकोनॉमिक्स नेक्स्ट इकोनॉमिक मैक्रोगी है डिपेंड करती है हल्का सा नाम से क्लियर है सर्कुलर is, सर्कल फॉर्म सर्कल फॉर्म में इनकम आपकी क्या करती रहती है फ्लो करती रहती है एक सिंपल सा पॉइंट है देखो हर पर्सन की अपनी डिमांड हर पर्सन के अपने अपने एक्सपेंडिचर सिंपल सीट अब लेटेड भी अगर मैं नॉर्मली बात करूं कि सर ये इकोनॉमी जो है ये रोटेट कैसे कर रही है क्या हर साल इकॉनमी में कोई नया पैसा आता है नहीं सर पैसा वही है मनी सप्लाई वही है हमें तो बस एक लाइन पता है किसी एक के द्वारा किया गया एक्सपेंडिचर दूसरे दिक। के लिए क्या बनती है इनकम अब सर वो इनकम हमेशा अपने पास तो रखने से रहा वो उस इनकम का क्या करेगा वो उस इनकम से अपनी नेक्स्ट आगे डिमांड्स क्या करेगा पूरा करेगा अगेन उसको क्या करेगा खर्च करेगा तो सर कोई पैसा इतना एक्सेप्शनली जितना थोड़ा बहुत आप लोग सेव कर लेते हैं जितना थोड़ा थोड़ा बहुत हम सेविंग में कर लेते हैं अदरवाइज अदरवाइज मैक्सिमम टू मैक्सिमम कंटेंट आगे से आगे से आगे ये फ्लो चलता रहता है अब सिंपल सी बात है आप लोग फीस कहां से लेकर आए पर्टिकुलरली अपने पेरेंट्स से आपके पेरेंट्स के पास पैसा कहां से आया उन्होंने इनकम कमाई इनकम से कमाई? उनको किसी ने एक्सपेंडिचर किया होगा उनकी सर्विसेज, उनके गुड्स लिए होंगे तो जाके उन्होंने इनकम आपके पेरेंट्स को दी आपके पेरेंट्स ने वो एक्सपेंडिचर करते हुए फीस आप लोगों की हमें पे आउट करी एंड ऐसे ही मेरे भी तो नेक्स्ट के खर्चे मंथ स्टार्ट हो गया एक्सपेंडिचर स्टार्ट गया पहले तो सर रेंट जाएगा जी रेंट के बाद नेक्स्ट आगे जो खर्चे होंगे कोई स्टेशनरी का पॉइंट है द मेन इलेक्ट्रिसिटी का पॉइंट है कोई एडिशंस का पॉइंट है मेंटेनेंस का है मैं भी तो अपने डिमांड्स को आगे और को क्या करूंगा पे आउट करूंगा हाँ लिटल बिट सेविंग्स को रखने के बाद क्योंकि कोई भी पर्सन कोई भी पर्सन एज इट इज पास ऑन नहीं करता नेचुर अगर आपके पेरेंट्स ने भी इनकम में से खर्च करा होगा सारी इनकम तो नहीं स्पेंड करी होगी सारी इनकम तो नहीं खर्च करी होगी अगर उन्होंने पचास हजार कमाया उसमें से मंथली एक्सपेंडिचर कितना करा होगा तीस हजार करा होगा पैंतीस हजार करा होगा दस से पंद्रह हजार फिर भी करेंगे कल को फ्यूचर में कोई अनसर्टनिटी आ गई तो हर पर्सन हर पर्सन इतना श्योर है इतना श्योर है इनकम के होने से कंजम्पशन जरूर करता है जरूर खर्च करता है सारे नहीं खर्च करता हर पर्सन थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्या लेकर चलता है सेविंग्स, क्या क्या, लिखा लिखा हुआ, हुआ है, एक बार बता, तूने सौ रुपया कमाया तूने सौ रुपया मेरे पे खर्च कर दिया मैंने भी सौ रुपया आगे खर्च कर दिया अगर तो सारा का सारा सारा का सारा एज इट इज सर्कल चलता जाए क्या ये सर्कल कभी रुकेगा नो no. yes. क्योंकि द इनकम जो एक ने अर्न करी वो सारी की सारी आगे क्या कर रहा है स्पेंड कर बट सर अगर आपने सौ रुपए कमाए सौ रुपए में से ट्वेंटी रुपीज अपने पास सेविंग्स करी एंड एट्टी रुपीज आपने आगे क्या कर दिए खर्च कर दी मेरे पास कितने पैसे है? मेरे पास कितने पैसे आए एट्टी आपने खर्च कितने करे एट्टी वही मेरी इनकम बनेगी अच्छा क्या मैं एट्टी के एट्टी स्पेंड करूंगा मैं भी तो कुछ सेविंग्स रखूंगा मैं भी तो उस उसमें से कुछ क्या करूंगा सेविंग्स करूंगा आपने हंड्रेड का हंड्रेड का कितना परसेंट सेव करा ट्वेंटी परसेंट बीस रुपए रखे अस्सी रुपए क्या कर दिए खर्च कर दिए सेम चीज अगर मैं अपने पे कहूं फिर मैं भी तो एट्टी रुपीज जब मेरी इनकम बनेगी मैं भी एट्टी में से ट्वेंटी परसेंट क्या करूंगा kind of जाके क्या होगा एंड क्योंकि जिस भी पर्सन के पास इनकम जा रही है ना उस से बीच में क्या लगा रहा है कट लगा रहा है हर पर्सन बीस परसेंट कट करने के बाद नेक्स्ट आगे खर्च कर रहा है

उतना ही पैसा सर्कल में अगर क्या कर दिया जाए इंजेक्ट कर दिया जाए तो ये तुम्हारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एज में चलता रहे। so ये सारे हमारी होने वाली मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कि पर्टिकुलरली सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है किन तरह के फ्लो होते हैं कौन कौन से मॉडल्स होते हैं ये इंजेक्शन एंड लीकेजेस वर्ड क्या है ये सारा डिटेल में चले क्लियर नंबर टू नंबर टू लिखिए फॉर्मुलेशन ऑफ formulation of government budget comma policies regarding regarding control of control of inflation एंड डिफ्लेशन कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन बिकम्स इजियर अब आज की डेट में सर ऑपोजिशन की बातें सुनो तो सही कभी तो पहली वर्ड क्या कहते हैं सर महंगाई देखो कितनी करती बात भी सही है पॉइंट भी सही है कि सर डे बाई डे महंगाई इतनी ज्यादा पर्टिकुलर हो चुकी है नॉर्मली हंड्रेड की तो वैल्यू ही छोड़ो सौ रुपए की फाइव हंड्रेड रुपीज तक की भी क्या वैल्यू नहीं रही कहीं भी मार्केट में आप जाते हैं डेली शॉपिंग करते हैं कुछ भी मान लो कोई खाने पीने भी जाते हैं सर पांच सौ रुपए तो पता ही नहीं लगते इवन सिंगल पर्सन का एक्सपेंडिचर आ जाए पांच सौ रुपए तो बाकी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पर्सन कितने जा रहे हैं साथ में दैट इज अ नॉमिनल अमाउंट क्यों हर चीज ही क्या हो चुकी है महंगी हो चुकी है अच्छा जो पर्सन आपको चीज प्रोवाइड कर रहे हैं भाई अगले खर्चे भी देख अगले का सिस्टम अगले का डेकोरम वो भी तो देख कितनी कॉस्ट अगला लगा कर बैठा उस चीज पे अब ये सारी चीजें बढ़ती कहां से जब बेसिक थिंग्स मह महंगी होनी शुरू हो जाती है लाइक पेट्रोल डीजल अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जब महंगी होगी तो नेचुरली उसका इफेक्ट आपकी हर गुड्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा बट एक चीज है मैंने यहां पे प्राइस राइज नहीं बोला या प्राइस फॉल नहीं बोला जबकि पूरी प्लस वन पे आप लोगों ने कभी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन वर्ड यूज नहीं करा आपने हमेशा वर्ड क्या यूज करा प्राइस बढ़ गया या प्राइस कम हो गया यहां पर्टिकुलरली वर्ड क्या लेकर आ रहा है इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन होती गया इंक्रीज इन कौन से नो इंक्रीज इन दी जर्नल प्राइस लेवल जर्नल प्राइस लेवल में जब आपको इंक्रीज देखने को मिलता है अरे कोई पर्टिकुलर एक बात बता कोई पर्टिकुलर चीज जो पहले दो सौ रुपए की आती थी वो दो सौ बीस की होगी होगी वो पर्टिकुलर गुड्स का रेट बढ़ गया दैट इज नॉट इन्फ्लेशन कि जहां भी रेट बढ़ा इन्फ्लेशन वर्ड यूज कर दो जहां भी रेट कम हुआ वहां पे डिफ्लेशन वर्ड यूज कर दो नो no. हमेशा वर्ड इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कहां चलते हैं जब सर ओवरऑल आपको ओवरऑल महंगाई देखने को मिले जर्नल प्राइस में इंक्रीमेंट देखने को मिले बेसिकली कॉल्ड कॉल्ड इन्फ्लेशन एंड वर्ड हाँ डिफ्लेशन मतलब जर्नल प्राइसेस में मतलब आपको सिर्फ एक आधे प्रोडक्ट में नहीं ओवरऑल महंगाई कम होती दिख रही है दैट इज कॉल्ड एज डिफ्लेशन बढ़ती दिख रही है इन्फ्लेशन हाँ जी

महंगी होगी तो नेचुरली प्रोडक्ट महंगे होंगे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर सस्ती होगी तो आपके प्रोडक्ट भी क्या होंगे सस्ते होंगे ठीक है सर इन दैट केस आई कैन यूज द वर्ड इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन तो कभी देखना, कभी देखना inflation, deflation देखना इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के अंदर ना सबसे पहले एग्जाम्पल कौन से उठाते हैं पेट्रोल डीजल एलपीजी हमेशा मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल में आपको ये ज्यादा मिलेगी हुआ क्लियर चलिए आगे लिखिए नंबर थर्ड पॉइंट नंबर थर्ड पॉइंट इट फैसिलिटेट्स एंड सर मैक्रो लेवल पे बात कर रही हैं तो सिर्फ कल अपनी इकोनॉमी की बात थोड़ी करेंगे दूसरी देशों की इकोनॉमी के बारे में तो देखेंगे कंपैरिजन नहीं करेंगे कौन सी कंट्री कैसा परफॉर्म कर रही है कौन सी कंट्री अपने से ज्यादा अच्छी है कौन सी कंट्री डाउनफॉल पे है तो मतलब इट फैसिलिटेट्स वर्ल्ड लिखिए इट फैसिलिटेट इंटरनेशनल इंटरनेशनल comparisons International comparisons by providing by providing information about information about ad and AS I think so what someone' giving aggregate demand and aggregate Supply एडी एंड ए एस कॉमर सरप्लस एंड डेफिसिट ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट अच्छा पहले तो यह बताओ अपनी इकोनॉमी का इंटरनेशनल इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन मोस्टली क्या होती है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट दोनों थी हमारी कंट्री के लिए कौन सी फेवरेबल है इम्पोर्ट करना इज अ नेगेटिव आइटम एंड एक्सपोर्ट करना इज अ पॉजिटिव आइटम बट ये जो प्लस माइनस आपने वर्ड बोला की पॉजिटिव आइटम है नेगेटिव आइटम है ये किस व्यू पॉइंट से बोला कीपिंग इन माइंड द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्योंकि सर अगर कोई कंट्री इंपोर्ट ज्यादा करेगी उतनी पेमेंट्स इंडिया से कहा जाएंगी आउटसाइड उल्टा आप अपनी कंट्री की परचेजिंग पावर किसको दे रहे हो दूसरी कंट्री और ऊपर से इंपोर्ट करना और बुरा क्यों है जितना ज्यादा तुम लोग क्या करोगे इंपोर्ट करोगे उतनी आपकी कंट्री दूसरी कंट्रीज के ऊपर क्या होती जा रही है डिपेंडेंट और सर बैकवर्ड तो यही है कि इनके पास कुछ नहीं है जी okay. और दूसरी बात कल को सर फिर वो दखलंदाजी भी करेंगे इकोनॉमिक इंटरफेरेंस भी करेंगे उनको पता है कि आप हमारे पे क्या हो चुके हो डिपेंडेंट हो चुके हो कल को फिर वो आपकी गवर्नमेंट में भी इंटरफेयर करेंगे कंट्रोल भी करेंगे तो इसीलिए सर मैक्रो इकोनॉमिक्स का समझना हमारे लिए बड़ा जरूरी है कि हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स देखने के बाद ही कोई डिसीजन मेकिंग ली जाती है नॉट जस्ट शॉर्ट इजी लोग तो नॉर्मली इंफ्लुएंशल होकर कह देते हैं कि मोदी ऐसा कर दे वैसा कर दे उड़ा दे इनको हर चीज देखनी पड़ती है मैक्रो लेवल पे उसके क्या इंपैक्ट होंगे ठीक है ना कहते तो इनसे कुछ नहीं होता हम चले जाते हैं वैसे ही मार आएंगे इन चीजों में कुछ नहीं बिकॉज इंटरनेशनल लेवल पे इन सारी चीजों को सोच समझ कर ही नेक्स्ट आगे क्या लिए जाते हैं डिसीजंस लिए जाते हैं एंड प्लस सर ट्रेड रिलेशंस भी तो रखने हैं और ऊपर से ऑल ओवर द वर्ल्ड जो आपकी डब्ल्यू टी ओ है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इवन द बायलेटरल एग्रीमेंट्स जो कंट्रीज के साथ होते हैं मेमोरेंडम साइन होते हैं ये बड़े पक्के हैं सर जी ट्वेंटी जैसे आप अभी लेटेस्ट अपनी इंडिया और इनका एक है अगर कोई कंट्री गलत चलेगी फिर उसके साथ कोई कंट्री सपोर्ट नहीं करेगी आपा ने ये भी तो बट एक बार इन दिनों सबसे पहले इंडिया इज मेकिंग इट्स लिंक्स एंड सुपर लिंक्स जिसको वर्ड बोलते लेने को पंगा चाइना से ले, ले लेने को पंगा पाकिस्तान से जब मर्जी ले ले उनका क्या करेंगे सर अल्टीमेटली सुनिए पॉइंट अल्टीमेटली वॉर करने से किसी का कुछ नहीं होगा रिसोर्सेज दोनों कंट्रीज के खत्म हुएंगे अब यूक्रेन एंड ऑल जो सीन हुआ वो अभी तक भी प्रॉपर सुलझा नहीं है उनका मामला बट पूरे के पूरे देश तबाह करने वाले कर दिए क्या हुआ कितने लोगों की जाने गई कितने रिसोर्सेज खराब हुए एंड पता नहीं कब जाके वो रीहेबिटेट होगा दोबारा कब जाके दोबारा बनेगा अब पॉइंट इज अगर यही थोड़ा सा सोच समझ कर चलते ठीक है ना मैक्रो लेवल पे इकोनॉमिक्स इश्यूज को समझा होता प्रोजेड कौन हर एक ही है अब कौन सही चलता है जी बहुत कंट्रीज हैं जो गलत काम करती हैं गलत वे से ट्रेड करती हैं ठीक है उसको आप इंटरनेशनल लेवल पे सॉर्ट आउट करवाइए अदरवाइज अदरवाइज नुकसान तो हर कंट्री का हमने अपने इकोनॉमिक इश्यूज भी तो देखने हैं हमने अपनी कंट्री की पोजीशन भी तो देखनी है तो ये सारी अंडरस्टैंडिंग आपको कहाँ पढ़ने को मिलती है मैक्रो लेवल Clear? and the last one is number four number four it helps to it helps to coordinate it helps to coordinate various policies and measures and measures at macro level to solve to solve economic problems to solve economic problems like poverty unemployment inflationary और डिफ्लेशनरी गैप अगर सही से आप लोगों ने सुने हो, जितने इस इंपॉर्टेंस के अंदर पॉइंट्स आप लोगों को बताए गए हैं ये सब के सब आपके चैप्टर्स के नेम है चाहे पीछे चेक कर लीजिए हर पॉइंट में आपके चैप्टर्स के ही नेम आ रहे हैं लाइक like, इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप्स ये बड़ी अच्छी टर्मिनोलॉजी है जो आपको पढ़ने को मिलेगी इन द एग्री डिमांड वाले टॉपिक्स में कि वॉट इफ सर अगर लेट इट बी गैप रेज हो गया तो उस गैप को कैसे कवरअप किया जाएगा एंड अगर डिफ्लेशनरी सिचुएशन हो गई मार्केट में मंदी आ गई तो इन दैट केस आप तो तो जस्ट एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन थी रिगार्डिंग द पर्टिकुलर पॉइंट्स की सर मैक्रो लेवल पे कैसी कैसी स्टडी आप लोगों को पढ़ने को मिलेगी बट डे ऑन भी जो आपके पास पॉइंट्स आएंगे नेक्स्ट ऑन लेक्चर में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हो गया हाँ एक चीज श्योर है कि आप लोगों के टॉपिक वाइज जो टेस्ट है टॉपिक वाइज इन नॉट सिंगल सिंगल चैप्टर एटलीस्ट दो दो चैप्टर जो मेरा प्लस वन का भी कॉन्सेप्ट रहा है कि जैसे ही आपके दो चैप्टर्स कंप्लीट होते हैं हम साथ के साथ उसका एक टेस्ट लेते हैं एंड वही सीबीएसई बेस्ड वही आपका असर्शन रीजन बेस्ड वही आपका एमसीक्यू हर पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा सो so दैट जितनी राइटिंग में प्रैक्टिस करोगे साथ साथ उतने कॉन्सेप्ट आपके टाइम टू टाइम क्या होंगे क्लियर एम आई क्लियर सो नेक्स्ट ऑन ड्यूरेशन धीरे धीरे बढ़ाएंगे दिस इज नॉट द लास्ट टाइमिंग्स धीरे धीरे प्रॉपर इसको टाइम अपने पे लेकर आएंगे कापी किताब पहले बंद कर देते हो अलग बात है क्लियर तो mm -hmm. so, अभी जस्ट स्टार्टिंग है इंट्रोडक्शन है सो so, यहां तक एक जस्ट नॉर्मल सी बातें थी नेक्स्ट ऑन लेक्चर में थोड़ा सा राइटिंग पॉइंट में अच्छा कंटेंट लेकर आएंगे लाइक like, एक पहला काम तो पांच से दस मिनट का खत्म करेंगे माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस साइड पे लिख के खत्म एक बार लिखना जरूरी है आफ्टर डायरेक्टली नए आपके शुरू हो जाएंगे लाइक like, आज का एक हल्का माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स जो वर्ड आपने यूज करा कि सेविंग इज अ वर्चू और वाइस इट्स बोथ डिपेंडिंग ऑन कि वो सेविंग कहां पे की जा रही है माइक्रो लेवल पे और दैट इज द कॉन्सेप्ट हुआ ओके okay, जी थैंक्स ओ लॉट एंड रेस्ट वी विल डू इन दी नेक्स्ट पार्ट इसी से आगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या करेंगे कॉन्टिन्यू करेंगे ओके okay, जी थैंक्स